नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू व्यू स्पोर्ट। ये प्रीव्यू है पाकिस्तान वर्सेस कनाडा के मैच का। एंड पाकिस्तान वाज वन ऑफ दोस टीम्स जो शॉर्ट थी कि क्वालिफाई करेंगी ग्रुप ए से, बट करंटली जीरो पॉइंट्स पे है, फोर्थ पोजीशन पे बैठी हुई है बिकॉज ऑफ अ मेजर अपसेट इनके पहले गेम में, जहाँ यूएसए ने इन्हें सुपर ओवर से हराया। एंड हाल ही में इंडिया से हार कर आ रहे हैं 6 रन से। इन्हें दोनों मैचेस अपने जीतने होंगे यहाँ से, एंड होप करना होगा कि यूएसए आयरलैंड से हारे या फिर इंडिया कनाडा से हारे, ताकि इनके चांसेस बने रहें। ऑन दी अदर हैंड, अगर मैं बात करूँ T20 वर्ल्ड कप डेब्यूटेंट्स कनाडा की, तो मेजर अपसेट ये क्रिएट कर आ रहे हैं, जहाँ आयरलैंड को इन्होंने हराया 12 रन से। पहला मैच ऑल्दो हारे थे यूएसए के साथ 7 विकेट से, बट करंटली थर्ड पोजीशन पे है 2 पॉइंट्स के साथ। ऑफकोर्स पाकिस्तान ही फेवरेट्स रहेगी इस मैच में भी, एंड आइडियली इट शुड बी अ वन साइडेड विक्ट्री, अनलेस अगर जो कनाडा है अपने पिछले गेम की विक्ट्री की वजह से काफ़ी कॉन्फिडेंस में हो एंड एक अच्छी फाइट दे सके। प्रॉबल 11 पे चलते हैं दोस्तों। तो यहाँ पाकिस्तान के प्रॉबल 11 में खेलते हुए दिखेंगे मोहम्मद रिजवान इनके विकेट कीपर, बाबर आजम इनके कैप्टन, उस्मान खान, फकर जमान, इमाद वसीम, इफ्तिकार अहमद, शादाब खान, शाहीन अफरीदी, नसीम शाह, हैरिस रॉफ और मोहम्मद आमिर। कनाडा की बात करें तो एरन जॉनसन, नवनीत धालीवाल, परगत सिंह, निकोलस कीर्तन, दिलप्रीत बाजवा, श्रेयस मूवा जो कि इनके विकेट कीपर हैं, डिलॉन हेलिंगर, साद बिन जफर इनके कैप्टन, जेरेमी गॉर्डन, कलीम सना और जुनेद सिद्दीकी। वेन्यू एनालिसिस पे चलते हैं दोस्तों। तो ये वाला मैच भी होगा नसाउ काउंटी इंटरनेशनल स्टेडियम न्यूयॉर्क में, एंड जो साउथ अफ्रीका वर्सेज बांग्लादेश का गेम है वो भी यहीं होने वाला है। एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो वो गेम अभी तक नहीं हुआ है, तो जो भी हम इसमें डेटा लेंगे उस गेम से पहले तक का लेंगे। तो 5 गेम्स हो चुके हैं इस टूर्नामेंट में इस वेन्यू पे सो फार, एक्सक्लूडिंग द वार्म अप जिसमें एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर रहा है 106 रन का। टीम बैटिंग सेकंड 3 बारी जीती है, 2 बारी जीती है टीम बैटिंग फर्स्ट। जो लेटेस्ट गेम हुआ है एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो वो इंडिया पाकिस्तान था, जहां पे बैटिंग सेकंड पाकिस्तान हार गई, तो बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम जीती। पेस वर्सेस स्पिन की बात करें दोस्तों, तो पेसर्स ने डाले 80.6% आसपास ओवर्स और निकाले हैं 85% विकेट्स। स्पिनर्स ने 19% ओवर्स डाले हैं, निकाली हैं 15% विकेट्स, तो ऑटोमेटिकली पेसर्स आपकी टीम में यहाँ पे दिखेंगे। चलते दोस्तों रिकॉर्ड इन T20s की तरफ इस साल। तो पहले देखते हैं पाकिस्तान के बैटर्स का रिकॉर्ड। तो इसमें बाबर आजम स्टिल लीड कर रहे हैं, 1415 रन बना दिए हैं 33 इनिंग्स में 45 की एवरेज से, 13 हाफ सेंचुरी हैं, 1 सेंचुरी इनके नाम। मोहम्मद रिजवान ने 36 की एवरेज से 938 रन बनाए 31 इनिंग्स में, 19 नॉट आउट इनका हाईएस्ट स्कोर रहा है, 7 बारी लगाई है हाफ सेंचुरी। उस्मान खान ने 39 की एवरेज से 707 रन बनाए 22 इनिंग्स में, एंड फकर जमान की बात करें तो 27 की एवरेज से 563 रन बना चुके हैं 21 इनिंग्स में। पाकिस्तान के बॉलर्स में शाहीन अफरीदी ने लिए सबसे ज्यादा विकेट्स, 48 विकेट्स हो गई हैं इनके नाम 30 इनिंग्स में, एवरी 14 बॉल्स विकेट निकालते हुए दिखे हैं। अब्बास अफरीदी ने 31 विकेट्स लिए अलॉन्ग विद इमाद वसीम, मोहम्मद आमिर 30 विकेट्स निकाल चुके हैं, नसीम शाह ने 23 विकेट्स निकाली हैं, हैरिस रॉफ ने अब 18 विकेट्स निकाल लिए 12 इनिंग्स में 14.6 की स्ट्राइक रेट। कनाडा के बैटर्स में निकोलस कीर्तन ने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं, कनाडा की साइड से सबसे कंसिस्टेंट बैटर भी दिखे हैं इस वर्ल्ड कप में, 7 इनिंग्स में 242 रन है इनके नाम, ऑलमोस्ट 35 की एवरेज से 2 हाफ सेंचुरी लगाई हैं। एरन जॉनसन ने 171 रन बनाए 24 की एवरेज से 7 इनिंग्स में, दिलप्रीत बाजवा 110 रन बना चुके हैं, धालीवाल ने बनाया 105 रन। इनके बॉलर्स में सबसे ज्यादा विकेट्स हेलिंगर ने निकाली है, इसमें 7 इनिंग्स में निकाली है 11 विकेट्स 13 की स्ट्राइक रेट से, साद बिन जफर ने 8 विकेट्स निकाली हैं, जेरेमी गॉर्डन 3 इनिंग्स ही खेले हैं एंड जिसमें निकाली हैं 4 विकेट 16.5 की स्ट्राइक रेट से। तो दोस्तों रिकॉर्ड्स की बात हो गई, वेन्यू की बात हो गई, प्रॉबल 11 हमने डिस्कस कर लिया, अब हम सीधा चलेंगे अपनी बेस टीम पे जो हम बनाएंगे फैंटेसी अखाड़ा पे, जहाँ पे चल रहा है जीरो कमीशन कार्निवल। 30 मई से शुरू हो गया, 29 जून तक चलेगा, एंड इसके बीच फैंटेसी अखाड़ा पर अगर आप 75 से 132 मैचेस खेलते हो एंड उसमें पर मैच इन्वेस्टमेंट मिनिमम 1 लाख का रखते हो, तो 100% कमीशन मिलेगा फैंटेसी अखाड़ा की साइड से। एंड अगर पर मैच इन्वेस्टमेंट 10,000 का रखते हो तो 75% कमीशन हुआ आपका। लिंक है पिन कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में, अलॉन्ग विद व्यूस्पोर्ट ऐप का लिंक। व्यूस्पोर्ट ऐप पे आपको 299 में मिल जाएगा मंथली सब्सक्रिप्शन और 999 में ईयरली सब्सक्रिप्शन, जिसमें आप जितने भी अब मैचेस हैं क्रिकेट फुटबॉल के सबका फैंटेसी 11 और सबके स्टैट्स भी प्लेयर्स के देख सकते हो। दोनों का लिंक है पिन कमेंट में, डिस्क्रिप्शन। ये लोएस्ट कमीशन के फर्जी दावे बहुत जगह सुने होंगे, है ना, पर कभी इंडिया के फैंटेसी स्पोर्ट्स का असली अखाड़ा देखा है? वहां पे टीम बनाई है? आओ खेलो फैंटेसी अखाड़ा पर, खुद देखो लोएस्ट कमीशन और हाईएस्ट अर्निंग क्या होती है। जल्दी फैंटेसी अखाड़ा ऐप डाउनलोड करो और जीतो। पेस टीम में चलते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे सिंस पाकिस्तान ऑब्वियसली स्टार्ट ऑफ करेगी फेवरेट्स, तो यहाँ पे हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे प्लेयर्स को डिस्कस करने में। जो मस्ट पिक्स है पाकिस्तान की, सीधा हम उन्हें लेके जाएंगे अपनी बेस टीम में, तो जिसमें दोनों ओपनर्स आपके रहेंगे विकेट कीपिंग सेक्शन से रिजवान हो गए एंड बैटिंग सेक्शन से बाबर आजम को लेकर जाएंगे।
बैटिंग सेक्शन में इसके अलावा कनाडा के निकोलस कीर्तन को भी हम लेके जाएंगे जो नंबर 5 या फिर नंबर 4 पे बैटिंग करते हुए दिखने चाहिए। सबसे कंसिस्टेंट लगे हैं कनाडा के लिए, जैसे मैंने आपको बताया ऊपर भी, रीसेंट टाइम्स में एंड मिडिल ऑर्डर को स्टेबलाइज करते हुए दिखे हैं। आप इनका परफॉर्मेंस इन टी20s इस साल अगर देखोगे तो सब में स्टार्ट्स मिली है, 2 में हाफ सेंचुरी भी बनाई है जिसमें एक हाफ सेंचुरी इसी टूर्नामेंट में आई थी और दूसरे में भी 49 रन से बनाकर आ रहे हैं। ऑलराउंडर सेक्शन में लेके जाएंगे डेल हेलिंगर को जो कि है कनाडा के। हमने वेन्यू पे देखा है कि सीमर्स को काफी हेल्प मिल रही है यहाँ पे एंड हेलिंगर बिकम्स मस्ट हैव पिक फ्रॉम दिस सेक्शन, क्योंकि बाकी जितने भी ऑप्शन ऑलराउंडर सेक्शन में लिस्टेड है सभी स्पिनर्स हैं एंड उनमें से कोई भी अपना फुल कोट ऑफ ओवर्स डालते हुए नहीं दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे पेसर्स को ज्यादा मदद मिल रही है एंड इरिस्पेक्टिव कंसिस्टेंटली विकेट्स भी निकाली हैं इस साल इन्होंने एंड यहाँ पे भी इन्हें हेल्प मिलनी चाहिए अमंग द विकेट्स ही दिखने चाहिए। आप इनका परफॉर्मेंस इन टी20s इस साल का अगर देखोगे तो पिछले कुछ मैचेस में केवल 2 बारी विकेटलेस गए, उसके अलावा सब में विकेट्स निकाली हैं विच ऑल्सो इंक्लूड्स अ 4 विकेट। बॉलिंग सेक्शन में चलते हैं दोस्तों, तो ऑटोमेटिकली बॉलिंग सेक्शन में आप अपने चारों फास्ट बॉलर्स पाकिस्तान के लेके जाओगे बिना किसी डाउट के। इंडिया के अगेंस्ट भी चारों ने विकेट्स निकाली एंड वो गेम भी इसी वेन्यू पे हुआ था, ये वाला गेम भी सेम वेन्यू पे खेला जाएगा। प्लस कनाडा एक वीकर बैटिंग यूनिट है कम्पेयर टू इंडिया, तो दे शुड ऑल बी अमंग्स द विकेट्स इन दिस गेम एज वेल। तो यहाँ शाहीन अफरीदी को लेके जाएंगे जो कि कंसिस्टेंट विकेट टेक कर रहे हैं इस साल। नसीम शाह को भी लेके जाएंगे, 3-4 लेकर आ रहे हैं लास्ट मैच में ही इंडिया के अगेंस्ट। हैरिस स्ट्रॉफ को लेके जाएंगे, इन्होंने भी 3-4 लिया इंडिया के अगेंस्ट लास्ट मैच में। एंड मोहम्मद आमिर को भी लेके जाएंगे जो पहले मैच में एक विकेट निकाली और दूसरे मैच में 2 विकेट्स लेकर ये आ रहे हैं। तो दोस्तों ये बन जाएगी हमारी बेस टीम, जहाँ विकेट कीपिंग सेक्शन में रहेंगे मोहम्मद रिजवान, बैटिंग सेक्शन में बाबर आजम और निकोलस कीर्तन, ऑलराउंडर सेक्शन में डेल हेलिंगर को लेके जाएंगे, बॉलिंग सेक्शन में शाहीन अफरीदी, नसीम शाह, हैरिस स्ट्रॉफ और मोहम्मद आमिर को लेके जाएंगे। अब हम बनाएंगे अपनी सिनेरियो वाइज टीम। तो पहला सिनेरियो लेकर चलते हैं जहाँ पे अगर पाकिस्तान आपको पहले बैटिंग करते हुए दिख रही है, यानी कि कनाडा पहले बॉलिंग कर रही होगी, तो अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग कर रही है या फिर दूसरी बैटिंग कर रही है, हम एक और बैटर को अपनी टीम में ज़रूर रखेंगे क्योंकि हमने यहाँ पे देखा है कि न्यू बॉल से बैटर्स ट्रबल हो रहे हैं पावर प्ले में एंड विकेट्स कंसिस्टेंटली गिर रही हैं। तो इरिस्पेक्टिव ऑफ द इनिंग्स हम अपना कॉम्बिनेशन सेफ रखने के लिए एक एक्स्ट्रा पाकिस्तान के बैटर को डेफिनेटली लेकर जाएंगे। तो अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग कर रही है तो यहाँ पे विकेट कीपिंग सेक्शन में आप पाकिस्तान की साइड से उस्मान खान के साथ जा सकते हो। इस सिनेरियो में हमने फकर जमान के ऊपर उस्मान खान को चूज किया है क्योंकि अगर आप इनका बैटिंग फर्स्ट एंड बैटिंग सेकंड रिकॉर्ड देखोगे टी20s में इस साल, तो बैट फर्स्ट इन्होंने काफी बेहतर परफॉर्म किया है, ऑलमोस्ट 48 की एवरेज से 573 रन बनाए हैं 15 इनिंग्स में, 2 बारी हाफ सेंचुरी 2 बारी सेंचुरी भी लगाई है इस साल, दोनों ही बैटिंग फर्स्ट आई है। नेक्स्ट प्लेयर जो लेके जाएंगे इस सिनेरियो में होंगे बॉलिंग सेक्शन से जेरेमी गॉर्डन कनाडा के। बॉलिंग फर्स्ट, पावर प्ले और डेथ दोनों में आपको बॉलिंग करते हुए दिखेंगे एंड ऐसी सीम फ्रेंडली कंडीशंस पे ये विकेट्स निकालते हुए दिखने चाहिए। सेकंड इनिंग्स में हो सकता है कि कनाडा इतना टारगेट ही ना दे एंड इजिली चेज हो जाए जहां पे इनकी विकेट टेकिंग एबिलिटी कम हो जाएगी, तो इसलिए बॉलिंग फर्स्ट ही काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इनके रीसेंट फॉर्म की अगर आप बात करोगे सितंबर 2023 से अगर मैं बात करूं तो केवल ये भी 2 मैचेस में ही विकेटलेस गए हैं, इसके अलावा कंसिस्टेंटली विकेट्स निकाली हैं, 3 फर्स्ट भी लिए हैं एंड 2 फर्स्ट भी इन्होंने लिए। 11th प्लेयर दोस्तों आगे जाके डिस्कस करेंगे इस सिनेरियो का। तो फिलहाल जो टीम बनेगी अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग कर रही है तो विकेट कीपिंग सेक्शन में रहेंगे रिजवान और उस्मान खान, बैटिंग सेक्शन में बाबर आजम और निकोलस कीर्तन, ऑलराउंडर सेक्शन में लेके जाएंगे हम डिलन हेलिंगर को ही, और बॉलिंग सेक्शन में लेके जाएंगे जेरेमी गॉर्डन के साथ साथ चारों जो पेसर्स हैं आपके पाकिस्तान के। दूसरे सिनेरियो में अब चलते हैं दोस्तों जहां पे आपको कनाडा पहले बैटिंग करते हुए दिखेगी, यानी कि पाकिस्तान पहले बॉलिंग कर रही होगी, तो यहाँ विकेट कीपिंग सेक्शन में आप एक एक्स्ट्रा कनाडा के बैटर श्रेयस मोवा के साथ जा सकते हो जो नंबर 6 पे बैटिंग करते हुए दिखेंगे। काफी अच्छे टच में लगे हैं डिस्पाइट द फैक्ट कि ये जो पिच है बॉलर्स को काफी सपोर्ट कर रही है, बट इन्होंने बैटिंग अच्छी करी है इस टूर्नामेंट में सोफा। सिलेक्शन परसेंटेज भी इनका अबव 75% है, अनबीटन 32 बनाया था यूएसए के अगेंस्ट जिन्होंने पाकिस्तान को भी हराया था एंड इसके अलावा 37 रन बनाकर आ रहे हैं आयरलैंड के अगेंस्ट भी। कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे बिहाइंड द स्टंप से भी, स्टंपिंग्स हो गई या कैचेस हो गई तो वहां से भी आपको ये फैंटेसी पॉइंट्स दिला सकते हैं। बैटिंग सेक्शन में लेके जाएंगे फकर जमान को, पाकिस्तान के नंबर 4 पे बैटिंग करते हैं। इस सिनेरियो में फकर जमान को लेके जाएंगे उस्मान खान के ऊपर क्योंकि इनके रिकॉर्ड अगर आप देखोगे टी20s में इस साल, तो इन्होंने बैटिंग सेकंड बेहतर परफॉर्म किया है। बैट फर्स्ट का एवरेज है 20.8 का, बट जो कि बैट सेकंड सीधा डबल हो जाता है 40 के एवरेज से 281 रन बनाए हैं, 3 हाफ सेंचुरी इस साल आई है, तीनों ही बैटिंग सेकंड इनकी आई है। 11th प्लेयर की अगर मैं बात करूं इस सिनेरियो में भी एंड पहले वाले सिनेरियो में भी, तो आप देखोगे अभी तक हमने 10 प्लेयर्स ही चूज करे हैं। 11th पिक के लिए आप चूज कर सकते हो या तो शादाब खान के बीच में या फिर इमाद वसीम के बीच में, दोनों में से कोई भी ज्यादा बॉलिंग करते हुए दिख सकता है एंड कोई भी प्रमोट किया जा सकता है बैटिंग करने के लिए ऊपर। फर्स्ट गेम में हमने देखा कि शादाब ने 3 ओवर्स डाले थे एंड बैटिंग से भी कॉन्ट्रीब्यूट किया था, जबकि सेकंड गेम में हमने देखा कि इमाद ने 3 ओवर्स डाले एंड नंबर 5 पे बैटिंग करते हुए दिखे, जबकि शादाब को एक भी ओवर नहीं दिया गया था।
तो आप 11th प्लेयर के लिए इन दोनों में से किसी एक के साथ जा सकते हैं, या फिर अगर आपको पाकिस्तान के फेवर में ही पूरी टीम बनानी है एंड दोनों को पिक करना है तो आप इधर सिनेरियो में गॉर्डन या मूवा की जगह पे इन दोनों को पिक कर सकते हैं। फाइनल टीम आपको पता है कहाँ मिलेगी, व्यूस्पोर्ट की ऐप पर ही मिलेगी, तो डाउनलोड करना मत भूलिएगा, लिंक है पिन कमेंट में डिस्क्रिप्शन में। अगर आप लिंक यूज करके या फिर हमारा रेफरल कोड YouTube24 यूज करके डाउनलोड करते हैं ऐप, तो आपको वीकली सब्सक्रिप्शन भी फ्री में मिल सकता है। 3 ऐसे विनर्स हम रोज डिसाइड करते हैं जिनको मिलता है वीकली सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री, एंड ये है कल के 3 लकी गिवे विनर्स आपकी स्क्रीन पे। आप भी इनमें से एक हो सकते हैं, कुछ नहीं करना है, केवल लिंक यूज करके डाउनलोड करनी है व्यूस्पोर्ट की ऐप। अब दोस्तों बिफोर वी मूव ऑन टू द कैप्टनसी ऑप्शंस, ग्रैंड लीग पिक्स डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे दोनों ग्रैंड लीग पिक्स हमारी कनाडा के साइड से रहेंगी। पहले हो गए कलीम सना, अगर वो पहले बॉलिंग करते हुए दिख रहे हैं, तो दूसरे हो गए नवनीत धालीवाल, दोनों को आप ग्रैंड लीग्स में ट्राई कर सकते हैं। कैप्टनसी चॉइसेस में चलते हैं, तो यहाँ पे सेफेस्ट कैप्टनसी चॉइसेस रहेंगी दोनों ओपनर्स जो है पाकिस्तान के, रिजवान एंड बाबर आजम, एंड दो पेसर्स हैरिस रॉफ और शाहीन अफरीदी। डिफरेंशियल कैप्टनसी पिक्स की बात करें तो नसीम शाह के साथ जाएंगे, एंड कनाडा से अगर आपको कोई पिक करना है तो वो डिलन हेलिंगर हो सकते हैं व्हेन ही इज बोलिंग फर्स्ट। तो दोस्तों ये था हमारा आज का प्रीव्यू, फाइनल टीम मिल जाएगी व्यू स्पोर्ट की ऐप पर ही, तो आना मत भूलिएगा। एंड इसके अलावा वर्ल्ड कप के सारे मैचेस के प्रीव्यूज भी मिलेंगे, शार्लेट एडवर्ड्स के भी जितने भी मैचेस होते हैं दिन में सबके प्रीव्यूज आपको व्यू स्पोर्ट ऐप पर मिल जाएंगे। मैं आपसे जल्द मिलूंगी नेक्स्ट फैंटेसी प्रीव्यू के साथ। थैंक यू सो मच।